हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग। हम सबको पता है मधुबनी पेंटिंग कितनी खूबसूरत होती है, और इसको आप कोई भी टेबल क्लॉथ के ऊपर बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी कैनवास के ऊपर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ऐसे मार्क कर लेना है, एकदम चारों साइड पे हमें यह स्केल से मार्क करना है। एक्चुअली ऋषभ ये स्केल से खेल रहा है, इसलिए मुझे इससे मार्क करना पड़ रहा है। तो ये चारों साइड मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हैं, और आप कोई भी पसंद के कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा बॉर्डर के लिए। और मैं यहाँ राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दो नंबर के। पहले चारों साइड पे हमें इस ब्लैक कलर से इस लाइन कर लेना है। आप मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग शीट के ऊपर आप स्केच पेन या मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे स्केच पेन या मार्कर उतना पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक्रेलिक कलर में जितनी शाइन है। और ये देखिए, ये और एक लाइन ड्रॉ करना है। एक्चुअली ये मैं बिना लाइन पेंसिल से आउटलाइन करके ही ये लाइन बना रही हूँ। ये मैंने मेरी पापा से सीखी थी, जब पहले पहले ड्राइंग सीखती थी, तो पापा ने ये मार्क कैसे, ये लाइन कैसे सीधा ड्रॉ करना है, ये पापा ने पहले ये सिखाए थे। ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इजीली कर पाएंगे, बहुत ही आसान है, उतना भी टफ नहीं है। और स्केच पेन पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हो, उसमें बहुत इजी होता है मार्कर या स्केच पेन से। ये ब्रश से थोड़ी सी प्रॉब्लम है उससे, बट एक दो बार अगर आप पहली पहली बार ट्राई करते हैं, तो एक दो बार करने के बाद आपको हो जाएगी, उतना भी मुश्किल नहीं है। तो पहले सारे साइड पे इस तरीके से वी शेप की तरह कर लेना है। ये बन गई है। अब यहाँ देखिए, एक सीधा सीधा लाइन इस तरीके से करना है। सारे जितना इस टाइप की है, तो सारे में कर लेना है। यहाँ मैं एक बॉर्डर लाइन कर रही हूँ, ये सिर्फ स्पेशली ये साइड पे मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से लाइन सारे ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पहले मैं पेंसिल से आउटलाइन कर रही हूँ, क्योंकि ये गलत हो सकता है ब्रश से। और फिर से मैं दो नंबर के राउंड ब्रश यूज कर रही हूँ, और यहाँ एक पहले पीकॉक की आउटलाइन करना है पेंसिल से। ये शायद आप शायद नहीं, बट अब आई एम श्योर ये आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं ना, क्योंकि मेरी ये पेंसिल ये डार्क शेड की नहीं है इसलिए। और ऑनेस्टली मैं बहुत डार्क करके भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आउटलाइन इधर उधर हो जाती है बाय चांस, तो मुझे कलर से उसको मैनेज करना पड़ेगा इसलिए। बट अब टेंशन मत लीजिए, इसके बाद अब ये कलर जब मैं ब्लैक कलर बनाऊंगी, तो उसको देख के भी आप इसको बाद में पेंसिल से कर सकते हैं। मैं इसके पीकॉक के अंदर जो डिज़ाइन है छोटी छोटी वर्क, वो मैं नहीं करूँगी पेंसिल से, बस इसकी थोड़ी आउटलाइन बना रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी ये पीकॉक और मछली की ये पेंटिंग के लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। ऑनेस्टली ये बहुत खूबसूरत है। आप कैनवास के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, अब टेबल क्लॉथ के ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ और एक गलती हो गई है, क्या ये सारे में पहले लेमन येलो कलर कर लेती तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं मेरी तरह। यहाँ मैं लेमन येलो और 12 नंबर की ये फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी कलर करना मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, उतना भी टफ नहीं है। अब साइड में जो छोटी छोटी ऐसे, वो आप 0 नंबर के राउंड ब्रश से भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, और सेम 2 नंबर राउंड ब्रश, इसमें ज़्यादा ब्रश यूज़ नहीं करना है, बस 2 नंबर राउंड ब्रश इनफ। तो यहाँ ग्रीन कलर से फिल करने के बाद बस छोटी छोटी डॉट कर लीजिए। अब जो वी शेप जो खाली बचा था, उस सारे में ये ग्रीन कलर से कर देना है। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये कॉर्नर पे आप इस तरीके से कर सकते हैं।
अब यहाँ भी थोड़ा ग्रीन कलर मेरे प्लेट में बचा था, तो मैंने सोचा ये ग्रीन कलर पहले कर लेती हूँ, उसके बाद में दूसरा कलर करूंगी। और ड्राइंग शीट के ऊपर पेंटिंग करना बहुत ज्यादा आसान होती है, और कपड़े के ऊपर इससे थोड़ी सी मुश्किल होती है, ड्राइंग शीट से ज्यादा। और टेबल क्लॉथ के ऊपर और एक पेंटिंग है मैंने की थी, आप में से काफी सारे फ्रेंड्स ने मुझे उसको बहुत पसंद की थी, तो उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप उसको एक बार देख लेना। वो भी मधुबनी पेंटिंग के ऊपर है, वो भी बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब देखिए ये ब्लैक कलर जब करेंगे आप कोई भी पेंटिंग को, स्पेशली इस टाइप की पेंटिंग को, तो वो जैसे ब्लैक करने के बाद, आउटलाइन करने के बाद, वो पेंटिंग एकदम से खिल उठती है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं डिफरेंस कितनी अलग हो गई है ना पहले से। तो इसको एकदम हल्के हाथ से करें, टाइम लेके करें। और ब्रश में अरोरा की ब्रश यूज करती हूँ, मुझे वो प्राइस भी बहुत रीजनेबल लगती है, अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। और ये ब्रश मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, आप ले सकते, शायद अमेजोन पे मैंने बाद में सर्च कर रही थी बट नहीं मिला था मुझे अमेजोन पे, शायद अब अभी होगा। ये ब्रश में चार पांच पांच, हाँ राउंड ब्रश था, ये राउंड ब्रश के एक सेट है, जीरो से आई थिंक, मैं ऑनेस्टली मैं भूल गई, जीरो था, 0, 2, 4, 6, 8 शायद इतना तक था, मतलब है अभी भी। और इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैं कैसे करती हूँ मैं बोलती हूँ। पहले ये कलर करने के बाद पूरा एकदम ब्रश को मैं 4-5 घंटे के लिए मैं ऐसे डुबा के रख देती हूँ पानी में डिप करके, उसके बाद में नॉर्मल जो हैंड वॉश होती है उस हैंड वॉश से ही मैं ब्रश को क्लीन करती हूँ, ब्रश की हेयर को अच्छे से, और फिर उसके हेयर अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद में बॉक्स में रख देती हूँ। और यहाँ मैं सेरुलियन ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी ब्राइट कलर है। और यहाँ अब रेड कलर यूज करना है, ये एकदम हल्के हाथ से करें, छोटी छोटी वर्क है। मैंने ये मधुबनी पेंटिंग गूगल में सर्च कर रही थी, तो मुझे 3-4 डिजाइन इस तरीके की पसंद आई, तो उसमें से 3-4 डिजाइन एक साथ में मिक्स करके मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। आप गूगल में सर्च करके भी बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं। আর তোমরা বাঙালি হলে কিন্তু আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি কি জানতে চাও বলতে পারো। আর আমার একটা বাংলাতে ব্লগের চ্যানেল আছে, ওই চ্যানেলে আমি রেগুলার ডেইলি লাইফের ব্লগ দিয়ে থাকি। আর ওতে স্পেশাল আর একটা আছে, সেটা হচ্ছে কাটিং স্টিচিং এর সব ভিডিও পেয়ে যাবে এই চ্যানেলে, যা যা কাটিং স্টিচিং এর মানে ড্রেস আমি দিয়ে থাকি, জামা কাপড়, সেগুলো কাটিং স্টিচিং ওই চ্যানেলে দিয়ে থাকি, তো দেখতে পারো, ওটা লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো ওই চ্যানেলের। তো ইস গ্যাপ মে ছোটি ছোটি ব্ল্যাক কালার সে আপকো ডট 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 কর দেনা হ্যায় ইস গ্যাপ মে, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके हाथ पे ना कलर लग जाए, बट ड्राइंग शीट के ऊपर कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, कपड़ों के ऊपर इससे थोड़ी टाइम लगते हैं। और कलर मैं यहाँ फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ, आप कैमल का भी यूज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, और मार्केट में बहुत ही इजीली दोनों कलर आपको मिल जाएगी, बट कलर हमेशा रिसेंट कलर डेट की ही कलर लीजिए, नहीं तो क्या होती है पुराने अगर कलर लेंगे ना तो उसमें कलर इतना ज्यादा ड्राई हो जाती है कि उसको आप तो पानी से मिक्स करके बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, उसको आपको फिर से मीडियम खरीदना पड़ेगा, उसको मिक्स करके फिर यूज करना पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा है आप जब आपको खरीदना है तो एक बार ढक्कन खोल के एक बार देख लीजिए, या फिर आप शॉपकीपर को भी बोल सकते हैं ढक्कन को ओपन करके आपको दिखाने के लिए। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, क्योंकि घर आने के बाद मुझे लगा कि यार मैं ढक्कन खोल के देख रही हूँ वो एकदम ड्राई हो चुकी है, और यह जो फ्लावर बना रही हूँ ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था ये बनाने के लिए, फिर बाद में मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो सोचा यह एक फ्लावर बना देती हूँ, और थोड़ी मिक्स करके भी डिजाइन करना है क्योंकि बॉर्डर से भी मिक्स करना था, और ये पीकॉक के साथ भी। तो यह रेड कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी रेड कलर पीकॉक के अंदर यूज किया है, अच्छा लगेगा। तो
तो ग्रीन को देखिए, एक दो छोड़ के छोड़ के इस तरीके से करना है। आप सारे में भी ग्रीन दे सकते या रेड दे सकते। और यहाँ एक ब्रांचेस और लीव्स, ब्रांचेस तो इस साइड पे भी होगा, मतलब ब्रांच सॉरी। और आपको इस टाइप की वीडियोस अगर देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्पेशली मैं कपड़ों के ऊपर ज्यादा देती हूँ, कुर्ती के ऊपर, दुपट्टा, बेडशीट, इस टाइप की वीडियोस ज्यादा देती हूँ। और तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और मेरी काम अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक से काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है, ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लगता है। और आपके हर एक कमेंट भी मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए, मेरी प्लेट में अभी भी थोड़ा सा रेड कलर बचा था, तो मैंने सोचा यहाँ बिना वेस्ट करके यहाँ फिल कर देती हूँ, तो ये अच्छा लगेगा क्योंकि रेड थोड़ा कम कम मुझे लग रहा था। और यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड कर रही हूँ, ये देखिए कंप्लीट हो गई है। बस ये आंखों के साइड पे छोटी छोटी व्हाइट कलर से डॉट करना है। ये है आपका कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी वेरी गुड डे। टेक केयर। सी यू सून। बाय।